पक्के हरियाणा के सभी वीडियोस पाए सिर्फ एक क्लिक पर। चैनल को सब्सक्राइब करें और फिर बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार के हरियाणा पे आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। इस वक्त मैं मौजूद हूं श्री बालाजी सीनियर सेकेंडरी स्कूल कागदाना में। श्री बालाजी सीनियर सेकेंडरी स्कूल कागदाना में एक ऐसा विद्यार्थी है, उसकी रिपोर्ट हमने पीछे जब वो 10th में था तब भी बनाई थी और अब वो प्लस टू की परीक्षा उसने उत्तीर्ण की है और वो प्लस टू की परीक्षा उत्तीर्ण उसने 93% यानी कि 93% नंबरों से की है। अब सोच रहे होंगे कि इसमें अचंभे की क्या बात है, लेकिन अचंभे की बात इसमें है वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। वो एक ऐसा विद्यार्थी है जिसके घर ना तो घर है खुद का, ना घर की ज़मीन है। पिता दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, 3-4 बहनों में अकेला भाई, तो किस प्रकार से गुजारा होता होगा। और इस गुजारे के बावजूद भी 10वीं क्लास के अंदर टॉप रहना, ब्लॉक टॉपर रहना और प्लस टू में 93% नंबर हासिल करना एक बहुत बड़ी बात है। इसलिए मैं आपको इस विद्यार्थी के बारे में जिक्र कर रहा था आपसे। नाम है उसका राजकुमार। चलिए राजकुमार के गांव में जाकर के देखते हैं कि आखिर किस प्रकार से माहौल है, किस प्रकार से राजकुमार पढ़ाई करता है, किस प्रकार से उसका घर है, कैसे उनका जीवन यापन होता है और उसकी पढ़ाई को लेकर के, इतनी मेहनत और लगन को लेकर के उसके माता पिता क्या कुछ कहते हैं। चलिए जानते हैं राजकुमार के गाँव से। तो चलिए अभी मैं राजकुमार जो कि एक होनहार विद्यार्थी है कागदाना क्षेत्र का, शक्कर मंदोरी गांव का, उसके घर पे पहुंच चुका हूं। ये आप देख सकते हैं सामने, ये उस राजकुमार जो कि विद्यार्थी है जिसने ब्लॉक में टॉप किया था 10वीं कक्षा में, लेकिन अभी प्लस टू के अंदर उस राजकुमार के 93% अंक अर्जित किए हैं राजकुमार ने। तो ये घर है उसका, ये घर उसका खुद का नहीं है, यहाँ पे ईंट भट्टा हुआ करता था और उस भट्टे का ऑफिस ये हुआ करता था, लेकिन अभी खाली होने के बाद ये राजकुमार के परिवार को रहने के लिए यहाँ पे दे दिया गया है। अगर मैं डिफरेंस की बात करूँ, फ़र्क की बात करूँ, तो 10वीं क्लास में वही राजकुमार एक झोंपड़ी में रहा करता था जिसके सर पे छत भी नहीं हुआ करती थी, लेकिन अभी राजकुमार के उत्कृष्ट प्रदर्शन को देखते हुए कि बच्चा रियल में ही कुछ कर दिखाने वाला है, तो कुछ गांव के लोगों ने अनुरोध करके उसको रहने के लिए ये घर दे दिया है। चलिए अभी राजकुमार के पिताजी हमारे साथ मौजूद हैं, वो क्या कुछ कहते हैं जानते हैं, उसके माताजी क्या कुछ कहते हैं, किस तरह से वो पढ़ाई करता है राजकुमार, वो तमाम बातें जानते हैं। राजकुमार आपका बेटा है जी, 10वीं में उसने बहुत अच्छा नाम कमाया था, एक ब्लॉक में प्रथम स्थान हासिल किया था, उसने पोजीशन हासिल की थी। कैसे वो पढ़ाई करता है, घर के काम कितने करता है, कितने समय तक वो पढ़ाई करता है जी? वो पढ़ाई अच्छी तरह से पढ़ाई करता है जी, घर के काम में भी वो हमारा साथ देता है क्योंकि हमारा धंधा है जी दिहाड़ी मजदूरी करना, तो रात को भी कभी कभी 2-3 घंटे जी थ्रेसरों पर भी लगता है, हमारे साथ पूरा धंधा करता है जी, लेकिन पढ़ने में पूरा ध्यान देता है। रात को 2 घंटे 4 घंटे 5 घंटे सोने का तो काम ही नहीं है जी,
अच्छी तरह पढ़ाई करता है, दिन में सुबह उठा नहा धो के स्कूल चला जाता है, आते ही फिर किताबें लेकर बैठ जाता है जी। आपके आप पहले झोपड़े में रहा करते थे, अब इस घर में रह रहे हैं, तो ये घर आपने खुद ने खरीदा है या किसी ने? जी नहीं, आगे जमींदारों से मेरा अच्छा लगाव है जी, बहुत अच्छे आदमी इस गांव के जी। पहले मैं झोपड़ी में रहता था, झोपड़ी में वहाँ पे यानी कि ये जमींदार जब इसने 10वीं क्लास यानी रिजल्ट आया तो जमींदारों ने कहा कि बच्चा यहाँ पे परेशान होता है, क्यों रात को आंधी है, मेह है, बारिश है, ना ही जी वहाँ कोई पानी का साधन था, ना यहाँ भी पानी का साधन नहीं है, लाइट की सुविधा भी नहीं है जी। फिर भी उन्होंने कहा कि आप एक मकान में तो रह सकोगे जी, मकान में रहकर ही अच्छी पढ़ाई करेगा और इससे आगे भी हमें उम्मीदें होंगी। इस वजह से जी ये मकान है, ये चौधरी साहब हैं ढाणी वाले इधर, इन्होंने मेरे मकान है यानी कि मांगा हुआ दिया हुआ है। अच्छा अच्छा, जितने दिन ये बच्चा पढ़ेगा आप यहीं पर बैठे रहो। चलिए, तो रात को जब आपके यहाँ लाइट नहीं है तो पढ़ता कैसे, ये पढ़ाई किस रोशनी में करता है? जी पढ़ाई रोशनी में नहीं करता दिया जी, पढ़ाई लालटेन से करता है जी। अच्छा, रात को लालटेन का दिया जगा लेते हैं, उसी से पढ़ाई करता है जी। राजकुमार की पढ़ाई का जो खर्च है वो कौन वहन करता है, आप वहन करते हो या कोई संस्था वहन करती है, कैसे रहता है? जी मैं आपको बता रहा हूँ, बात ऐसी है इसने चौथी और आधी पांचवीं तो सरकारी स्कूल में की थी जी, फिर इधर ये कागदाना में एक बालाजी स्कूल है जी, उसके मास्टर जी बहुत अच्छे हैं, हालांकि संदीप जी यानी कि बहुत बढ़िया आदमी हैं, उन्होंने मेरे से कहा कि बच्चा अच्छी पढ़ाई कर रहा है, इस बच्चे को यानी कि हम बिल्कुल यानी कि निःशुल्क पढ़ाएंगे, बिल्कुल फ्री पढ़ाएंगे इसकी जी, हमारे से आज तक ना कोई फीस ली है, किताबें भी वो आप ही दे देते हैं कभी कभार, तो सारी पढ़ाई जी बालाजी स्कूल ओडरा अब तक। आगे जी मेरे पास इसको पढ़ाने के लिए खर्चा नहीं है जी, मेरे पास स्पष्ट बात है आगे मेरे पास इसको पढ़ाने के लिए कोई कुछ भी नहीं है, अब मैं आगे क्या करूँ ये स्कूल वाले ही बताएंगे जी। अच्छा अच्छा, कितने बच्चे हैं आपके और कितने बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, कितने बच्चों ने पढ़ाई छोड़ दी है? जी मेरे पांच बच्चे हैं, पांच बच्चों में से जो बड़ी लड़की है ना उसने थोड़ी पढ़ाई की थी, बाकी चारों बच्चों को पढ़ाया मैंने। अच्छा, चारों बच्चे यानी कि प्लस टू पास कर चुके हैं और दो लड़कियों की मैंने शादी कर दी यानी कि बाकी सब यहीं पर हैं जी। अच्छा ठीक, राजकुमार का जो रीडिंग रूम है उसमें मैं पहुंचा हूं अभी, उसमें देखा आकर के तो मुझे पता चला कि वो सामने जो आप देख रहे हैं वो एक साल में रफ नोटबुक हैं जो रफ कार्य करने के लिए राजकुमार उपयोग करता था। आप देख सकते हैं इतनी जो नोटबुक है वो शायद अगर एक नॉर्मल स्टूडेंट की बात करें तो 5 सालों में नहीं यूज़ करता होगा, लेकिन इसने 1 साल में ये इतनी सारी रफ़ नोटबुक यूज़ की हैं। अगर ऊपर छत में दिखाना चाहूँ तो इस गर्मी में इस छत पे कोई भी पंखा लटका हुआ हमें दिखाई नहीं दे रहा है, सिवाय एक खिड़की के रोशनदान के। रोशनदान से हवा ज़रूर अंदर आ रही है लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं आ रही कि इसमें आराम से बैठ के पढ़ा जा सके। ये इधर राजकुमार की किताबें हैं जो इसने 1 साल भर पढ़ी हैं, कुछ इसमें भी रफ़ नोटबुक्स हैं, तो ये आप देख सकते हैं कितनी मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन यहाँ पे आके मैंने देखा तो एक मेरे हाथ में ये कागज़ भी है, ये कागज़ क्या है, मिशन स्टार्ट ऑन 14 नवंबर 2018, 14 नवंबर 2018 को राजकुमार ने मिशन स्टार्ट किया था और ये अपने दीवार के ऊपर चस्पा कर लिया था। माई प्रोफाइल में राजकुमार दिया है टारगेट मार्च 2019 100%, लेकिन 100% तो नहीं दे पाया लेकिन 93% जरूर दिया है। अगर 100 में से 7% की अगर कमी रह जाए तो उसको हम असफलता नहीं कह सकते, वो सफलता ही मानी जाती है। अगर इसमें मैं बात करूं तो यहां पे ये जो राजकुमार ने जो कमियां नोट की थी वो सारी कमियां लिखी हुई हैं इसमें, 15 कमियां हैं। तो राजकुमार से जानते हैं, राजकुमार ये कमियां आपने लिखी हैं, MNM, NN, खाने, शाम, वैन, रफ, सेवन, ये क्या हैं, क्या चीज़ आप इसको? इसमें मेरी मतलब सर डेली की एक्टिविटी के बारे में जो मेरी में कमियां थी उनको मैं सुधारने के लिए जो मेरे को याद रहे यहाँ पे मैंने लिखी हैं, और इसके साथ साथ स्कूल में बताया गया था कि इस पर कमियाँ नोट करें और मैंने नोट करके इनको ख़त्म किया है। इसमें जैसे कि मैं हर रोज़ मैंने रफ कॉपी फिल करनी थी, रफ कॉपी के इतने पेज फिल करनी थी वो मैंने लिखा है और यहाँ पे मैंने नोट किया है। उसके बाद कि मेरे को अपने से बड़ों और बड़ों के साथ साथ मेरे से छोटों को भी आदर देना है और आदर सम्मान करना है सभी का।
और इसके अलावा कि जो मैंने टाइम फिक्स किया था कि इस टाइम पर मुझे सोना है और इस टाइम पर मुझे उठना है, उस वो भी मेरी कमी थी। मैं कई बार जल्दी सो जाता था उससे और बाद में लेट उठता था, ये कमी थी। चलिए राजकुमार के माता जी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। जी राजकुमार, एक साल में पढ़ाई की है राजकुमार ने, बहुत अच्छा रिजल्ट राजकुमार का आया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? किस समय तक ये पढ़ता था, कैसे पढ़ाई करता था, कैसे मैनेज करता था? रात के 9-10 बजे तक पढ़ता था, उसके बबाद सो जाता था जी। उसके बाद 3 बजे के बाद मैं इन्हें खड़ा कर देती थी। अच्छा। उसके बाद 3 बजे के बाद मैं ये सवेरे तक पढ़ के और उठ के नहा धोकर स्कूल जानता था। अच्छा। हाँ, तो ये बार बार जिक्र कर रहा है कि मेरे मम्मी जो हैं वो मेरे साथ हमेशा रहते थे। कैसे ही खड़ी रही रात को, चाह ने चाह कह देता तो चाह बना ले आती रात नहीं उठ के, और पानी तत्व कहते तो पानी जी बना के देती। मैं खड़ी रहती, मैं सोनती को नहीं, 12 महीना मैं सो के कौन देखियो इन, वो कहते तो सो जान तो मैंने नींद को नहीं आती, सो मैं वो पढ़ने ला जान तो फिर मैं नींद आ जाती, मैंने भी बाद में मैं सो जाती, इतने वो सुत्यो रहते इतने मैंने को नींद आती बैठी रहती। हाँ जी, तो अभी देखे कहना चाहोगा थारा बेटा बहुत बढ़िया प्रदर्शन करे, बहुत बढ़िया। हाँ जी, अभी बढ़िया नंबर आया और आगे जी और संदीप जी सारा मदद करिए पढ़ाए जी, मैं के पढ़ा सका, मैं तो कुछ को नहीं पढ़ा सका, मैं तो गरीब आदमी है जी, स्कूल में अच्छी मदद हुई है, बच्चा की इज्जत ही पढ़ाई हुई है जी, मैं तो के पढ़ा सका जी। चलिए शुक्रिया बातचीत के लिए। तो यहाँ मैं आपको बता दूं कि राजकुमार का जो पूरा परिवार है उस उनका कहना है कि उनके पास इतने ज़्यादा पैसे नहीं थे, नहीं है कि वो अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई करवा सके, उच्च स्तर की शिक्षा दिलवा सके। लेकिन अभी राजकुमार ने भी +2 पास कर ली है, राजकुमार की जो बहन है उसने भी +2 पास कर ली है, लेकिन अब राजकुमार के पिता के पास इतना ज़्यादा धन नहीं है कि वो दोनों बच्चों को आगे हायर एजुकेशन के लिए शहर भेज सके। एक अनुरोध सरकार से और आसपास के समाज से भी, लोगों से, राजकुमार के परिवार वालों का है कि अगर वो कुछ ना कुछ सहायता दे दें तो उनके बच्चे जो इंटेलिजेंट है, जो होशियार है, जो पढ़ाई करने के लायक हैं, वो अपनी पढ़ाई से वंचित ना रह सके। चलिए अभी चलते हैं सीधा बालाजी स्कूल, श्री बालाजी सीनियर सेकेंडरी स्कूल कागदाना में, वहाँ पे आगे जानते हैं कि आखिर दूसरे जो बच्चे हैं वो क्या कहते हैं, रिजल्ट किस प्रकार का रहा है, और जो स्कूल के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और प्रिंसिपल हैं वो क्या कुछ कहते हैं। चलिए चलते हैं सीधा श्री बालाजी सीनियर सेकेंडरी स्कूल कागदाना में। राजकुमार के माता पिता किस हालत में रहते हैं, किस स्थिति में ये बच्चा रह रहा है और किस स्थिति में ये पढ़ाई कर रहा है, और उस स्थिति से निकल करके 90% से ऊपर अंक अर्जित करना एक बहुत बड़ी बात है। इसीलिए मैंने आपको बताया था कि राजकुमार की मैं बात क्यों कर रहा हूँ, इसीलिए मैं इस लड़के की बात कर रहा था जो कि श्री बालाजी सीनियर सेकेंडरी स्कूल कागदाना में पढ़ता है। अगर हम बात अभी राजकुमार से भी हम आपको मिलवाएंगे, बातचीत करेंगे उससे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि राजकुमार ने 10वीं की परीक्षा में ब्लॉक में टॉप किया था और 95% अंक प्राप्त किए थे। उस समय एक बहुत बड़ी चर्चा का विषय बन गया था कि जिसके घर पे सर पे छत नहीं है, जिसका खुद का घर नहीं है, पढ़ने के लिए किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है, लालटेन और मोमबत्ती के सहारे रात में पढ़ना, बिजली के गड़गड़ाहट हो या बारिश का मौसम हो तो ऐसे में कितना मुश्किल हो जाता है ऐसे परिवार के लिए गुजारा करना, लेकिन उस परिवार में हार नहीं मानी और राजकुमार ने वो कर दिखाया जो कि इंसान मन में ठान लेता है, वो किसी भी सफलता उसके कदम चूमती है ऐसा बताया जाता है, लेकिन ऐसा ही यहाँ पे कर दिखाया है राजकुमार ने। चलिए इनसे जानते हैं। राजकुमार 10वीं क्लास में 95%,
और 12वीं क्लास में आके 93 पे रह गई, कहाँ कमी रह गई, क्या आपको परेशानी आई, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप इसमें? सर मैंने 10वीं क्लास में 95% अंक लिए थे और ब्लॉक में टॉप किया था, और उसके बाद मैंने सोचा कि मैं प्लस टू में इनको 97-98 में तब्दील करना चाहता था, परंतु कुछ तो हार्ड सब्जेक्ट की वजह से और कुछ घर की कठिनाइयों की वजह से मैं इसको 97-98 में तब्दील नहीं कर सका। तो अभी आप किस तरह से आप पढ़ाई किया करते थे, 95 से 98 करने के लिए किस तरह से आपने मेहनत की, किस तरह से घर वालों का कितना सपोर्ट मिला? मैं खूब मेहनत किया करता था और रात दिन मैं पढ़ाई में ही रहता था, और जब मैं रात को पढ़ता था, लेट देर तक पढ़ता था, तो मेरे माता पिता मेरे साथ बैठे रहते थे और मुझको कहते थे कि हौसले हौसले से पढ़, हम तुम्हारे साथ हैं, कि नींद नहीं आने देंगे हम तुझे। चलिए शुक्रिया राजकुमार। अगर मैं पूरे स्कूल के रिजल्ट की बात करूं तो स्कूल का रिजल्ट जो है मेरे पास है अभी, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि श्री बालाजी सीनियर सेकेंडरी स्कूल कागदाना की 10वीं कक्षा में ये जो तमाम बच्चे हैं, ये 10वीं और 12वीं कक्षा के बच्चे हैं, कुछ बच्चे आए नहीं हैं, तो मैं बता दूं कि 10वीं कक्षा में कुल 52 बच्चों ने परीक्षाओं में अपीयर हुए थे परीक्षा में, जिसमें से 27 बच्चों ने मेरिट और 25 बच्चे प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुए हैं, यानी कि 100% रिजल्ट श्री बालाजी स्कूल का रहा है 10वीं क्लास का। और इसी प्रकार अगर मैं 10+2 कक्षा की बात करूँ तो इसमें 61 बच्चे परीक्षा में बैठे थे और 34 बच्चों ने मेरिट व 27 बच्चों ने प्रथम श्रेणी से अपनी परीक्षा उत्तीर्ण की है। 100% भी 10+2 का रिजल्ट रहा यहाँ इस स्कूल का। तो चलिए जो फर्स्ट सेकंड थर्ड अपनी क्लास में आए हैं या कोई पोजीशन आई है, उन बच्चों से जानते हैं कि आखिर वो क्या कुछ कहना चाहते हैं अपनी इस उपलब्धि को लेकर के, अपनी इस कामयाबी को लेकर के। 10th में मेरी 79 रहे हैं, इसका रीजन तो बहुत बड़ा है। वैसे हमारे स्कूल में ऐसे फंक्शन चलते रहते हैं, मगर सबसे बड़ा रीजन इसका रहा हमारे स्टेज का जो फंक्शन होता है, जिस दिन रिजल्ट आता है, जो फंक्शन हर एक बच्चे के मन में इतना वो उसको मोटिवेट करता है अंदर से कि हाँ ऐसा तो कभी मेरे साथ भी होना चाहिए, इस स्टेज पे मैं भी होना चाहिए। सबसे बड़ा स्कूल का एनवायरनमेंट, जहाँ एक मोटिवेशन सेशन होता था, इतना ज़्यादा मोटिवेट करना बच्चे को कि उसकी आत्मा तक अंदर तक वो खुल जाता था कि हाँ मेरे को इतनी अच्छी स्टडी अवश्य करनी चाहिए, ज़रूरी है, मेरे पेरेंट्स के लिए ज़रूरी है, मेरी फैमिली के ज़रूरी है। सबसे बड़ी बात, हमारे यहाँ स्कूल में मिस कॉल करनी होती थी सुबह उठने से पहले और रात को सोने से पहले, हमेशा मिस कॉल करना। हमारी टाइमिंग थी वो भी 16-17 घंटे के करीब रही थी, हमेशा अच्छे से स्टडी चली थी। सबसे बड़ा श्रेय मैं मेरी फैमिली को देना चाहूँगी, क्योंकि उसमें बड़े मम्मा और बड़े पापा जो हमेशा मेरे साथ रहते थे, उन्होंने कभी मेरे को बुक पे सोने ही नहीं दिया। जब भी वो चेक करते वो मेरे को उठा देते कि नहीं ऐसे नहीं, स्टडी करो, कुछ मेहनत करो तो हासिल ज़रूर होगा। मेरा नाम अभिषेक है, मैंने 96.4 अंक प्राप्त किए हैं। तो इसका क्रेडिट किसको देना चाहोगे, किस तरह से आप पढ़ाई करते थे, आपका पढ़ाई करने का जो शेड्यूल है वो क्या रहता है? इसका क्रेडिट मैं अपने फैमिली मेम्बर्स और जो टीचर्स हैं उनको देना चाहूँगा। टीचर्स ने भी हार्ड वर्क किया है और उन्होंने पूरा साथ दिया है मेरा, और साथ में फैमिली मेम्बर्स में मेरे मौसी जी ने भी बहुत सपोर्ट किया है मेरे को। जब मेरे को नींद आने लग जाती थी तो वो रात को 11 बजे भी चाय बना के देते थे और सुबह जल्दी उठा कर जाते थे, चाय बना देते थे। और साथ में मैंने सोशल मीडिया का भी बिल्कुल प्रयोग नहीं किया, और जो मेरे जूनियर्स हैं उनको भी मैं यही कहना चाहता हूँ कि जितना हो सके उतना सोशल मीडिया से दूर ही रहना चाहिए। मोबाइल का यूज़ अगर अच्छे के लिए करना होता है तो वो अच्छे के लिए कर सकते हैं, लेकिन सोशल मीडिया से दूर ही रहना चाहिए। मैं सेल्फ कोमल मचारवाला से हूँ। मैं 10th में, मैं यहाँ नहीं थी, मैं हमारे गाँव के गवर्नमेंट स्कूल में थी। प्लस टू में मेरा यहाँ पे 10th, मैंने प्लस वन और प्लस टू यहाँ से की है। तो मैं प्लस वन में जब यहाँ पे आई थी तो यहाँ पे जो प्लस टू और बोर्ड की क्लासेस का रिजल्ट आया था तो यहाँ पे सेलिब्रेशन बहुत अच्छे तरह से हुआ। तो संदीप सर ने एक बार कहा था कि 2019 का रिजल्ट आएगा तो उसमें थोड़ा अलग होगा, तो मुझे पता नहीं था वो क्या होगा, पर थोड़ा सरप्राइज था मेरे लिए। फिर हम प्लस टू में, और प्लस वन का रिजल्ट हमेशा अच्छा रहा, और प्लस टू में तो हमने थोड़ा बहुत कन्वर्ट करना था, सर ने कहा कुछ ऐड करना है जो
टेंथ में थे वो उनसे थोड़ा प्लस करके थोड़े ज़्यादा लेने हैं, तो फिर हमने कोशिश की और हमने मेहनत की और इसका क्रेडिट मैं मेरी खासकर मेरी मम्मी को, जिन्होंने दिन रात मेरे लिए मेहनत की है, वो जो कोई भी मैं काम करती हूँ वो उसमें अपना 100% देती है, और मेरे स्टाफ मेम्बर्स और मेरा स्कूल और स्कूल का खासकर जो इन्वायरमेंट जो क्रिएट हुआ था, सभी जो एक माहौल था स्कूल का वो बहुत ज़्यादा अच्छा था। मेरा नाम दिनेश है, मेरे 93.2% आए हैं। मैं अपने परसेंट का क्रेडिट सबसे पहले अपने माता पिता और स्कूल के स्टाफ मेंबर को देना चाहूँगा, साथ ही स्कूल के स्टाफ मेंबर कोऑपरेट करते रहे। साथ सुरेंद्र सर ने बहुत हमें मोटिवेट किया, कभी कभार पूरी रात पढ़ने के लिए कहते थे, बार बार कहा जाता था कभी कभार आपको बार बार पढ़ना चाहिए पूरी रात को, मैं पूरी रात पढ़ता था कई कई बार। साथ ही स्कूल की टीम ने एक्स्ट्रा क्लास लगाई, उसे बहुत फ़ायदा मिला, 2 घंटे के एक्स्ट्रा क्लास ने तो ज़िंदगी बदल दी। माय नेम इज़ अलका एंड आई गेट 92.4% एंड मैं फुल्ली क्रेडिट मेरे स्कूल को देना चाहती हूँ। फैमिली की तरफ से कोई फोर्स नहीं था कि कितने मार्क्स आने चाहिए, इज़ एंड एवरीथिंग विल बी माय टीचर्स, संदीप सर, बाकी सब ने इतना ज़्यादा मोटिवेट किया। हफ्ते में एक बार वेडनेसडे को हमारी मोटिवेशनल क्लास लगती थी और 10th क्लास को अलग से एक्स्ट्रा क्लास लगाई जाती थी एंड बाकी सारा क्रेडिट मैं अपने स्कूल को देना चाहती हूँ। फैमिली ने भी बहुत साथ दिया था। चलिए शुक्रिया, अब चलिए हम आपको ले चलते हैं स्कूल के संचालक और स्कूल के प्रिंसिपल के पास कि आखिर वो बच्चों के ऑल ओवर परफॉर्मेंसेस के बारे में क्या कुछ कहते हैं, किस तरह से उन्होंने बच्चों को तैयारी करवाई, किस तरह से उनका स्ट्रक्चर रहता है कि हाँ बच्चों को इस तरह से पढ़ाई करवानी है, इस तरह से बच्चों को खेल ने दिया जाना है, क्या कुछ कहना चाहते हैं। चलिए आपको ले चलते हैं सीधा स्कूल के MD जो हैं संदीप बेनीवाल जी उनके पास। हमारा स्कूल हरियाणा बोर्ड से एफिलिएटेड है, जैसे कि अभी रिजल्ट आउट हुआ प्लस टू और टेंथ का, बहुत अच्छा रिजल्ट रहा। आगे हम चाहते हैं कि इन बच्चों के और अच्छे बेटर रिजल्ट के लिए कोचिंग एक्स्ट्रा कोचिंग क्लासेस प्रोवाइड करवाई जाए। समर वेकेशन जून मंथ के अंदर टेंथ और प्लस टू के बच्चों को बुलवाया जाए और उनकी एक्स्ट्रा क्लास लगाई जाए। उसके बाद में सितंबर मंथ से स्कूल ओवर होने के बाद 1 घंटा की कोचिंग क्लासेस लगाई जाए फाइनल एग्ज़ाम तक, जिससे और अच्छा बेटर रिजल्ट जो है वो आया जाए। वीक के अंदर 2 दिन मोटिवेशनल स्पीच हो, जिससे बच्चों को मोटिवेट किया जा सके स्टडी के बारे में, अच्छे बेटर रिजल्ट के बारे में। इन बिटवीन अच्छे स्कॉलर्स बाहर से या कोचिंग सेंटर से बुलवाने की कोशिश करेंगे, जो कि बीच बीच में बच्चों को अच्छे ढंग से टीच करें और मोटिवेट करें, ताकि अच्छा इम्प्रूवमेंट आए और बच्चों को बहुत कुछ सीखने को मिले। बच्चों को मोटिवेट करने के हिसाब से हमने एक मुहिम चलाई है कि जो बच्चे 95% से अबव मार्क्स गेन करते हैं उनको हम फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड कराएंगे। टोटल जितना भी एक्सपेंडिचर होगा वो स्कूल वहन करेगा, बच्चों से किसी भी प्रकार का एक्सपेंडिचर जो है वो नहीं लिया जाएगा। 90% से अबव जो बच्चे होंगे उनकी फीस के अंदर भी हमने 20% की रिलैक्सेशन दी है। इसके अलावा हम बच्चे को टाइम टू टाइम एक नए सब्जेक्ट के तौर पे अच्छे अच्छे स्कॉलर्स के टीचिंग के नोट्स जो हैं वो भी प्रोवाइड कराने का सोच रही हैं। सर, विद्यालय का इस बार 10th और प्लस टू का जो परीक्षा परिणाम है वो 100% रहा, सभी बच्चों ने परीक्षा उत्तीर्ण की। अगर बात करें 10th क्लास की, 10th क्लास के अंदर कुल 52 स्टूडेंट्स थे, उनमें से 27 बच्चों ने मेरिट हासिल करी और बाकी 25 बच्चे फर्स्ट डिवीज़न से पास हुए। और अगर बात की जाए प्लस टू के रिजल्ट की, टोटल 61 स्टूडेंट्स थे, उसमें से 34 बच्चों ने मेरिट हासिल की है और 27 जो स्टूडेंट्स हैं वो फर्स्ट डिवीज़न के साथ पास हुए हैं। हर साल जब रिजल्ट आता है तो उसके बाद एक ऐसा हौसला स्कूल के अंदर, क्योंकि पिछले 10 साल से हम स्कूल चला रहे हैं, हर साल रिजल्ट का अपना स्तर सुधरता जा रहा है, तो हर बार कुछ नया स्कूल के अंदर ऐड किया जाता है। अभी तक हमारा विद्यालय HBSC से एफिलेटेड था, नए सेशन में हम CBSC से इस विद्यालय को एफिलेटेड करवाने जा रहे हैं
जिस दिन से विद्यालय की शुरुआत हुई इस एरिया इस क्षेत्र के लोगों ने बड़ा अच्छा अपना रिस्पांस दिया और पहले ही साल में अब बच्चों के अभिभावकों ने हमारे ऊपर विश्वास किया और एक अच्छी स्ट्रेंथ के साथ हमने शुरुआत करी। लगातार विद्यालय के अंदर बच्चों की संख्याएं भी इंक्रीज हुई और रिजल्ट का स्तर भी सुधरता गया। अभिभावकों के विश्वास पर इस विद्यालय परिवार ने हमेशा मेहनत करी और उस पर हमने खरा उतरने की कोशिश की और आज हम एक ऐसे स्तर पर है कि पूरे क्षेत्र के अंदर जो मेरिट के अंदर बात की जाती है बच्चों की, तो हमारे विद्यालय के आधे से ज़्यादा बच्चे हमेशा मेरिट के अंदर रहते हैं। तो इसके लिए मैं सभी अभिभावकों और बच्चों को सबसे पहले तो बधाई देता हूँ और उसके साथ ही बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। चलिए, कुल मिलाकर के अगर हम कहें कि श्री बालाजी सीनियर सेकेंडरी स्कूल कागदाना का रिजल्ट जो है, परीक्षा परिणाम है 10वीं और 12वीं कक्षा का, वो 100% रहा। परीक्षा परिणाम किस प्रकार से रहा वो मैंने आपको बताया, स्कूल के जो MD हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं संदीप बेनीवाल जी, उन्होंने भी बताया। और आने वाले समय में किस प्रकार से स्कूल की प्रायोरिटी रहेगी, प्राथमिकता रहेगी कि बच्चों को किस प्रकार से नई फैसिलिटीज़ उपलब्ध करवाई जाए। अगर मैं बात करूँ तो अब तक ये जो स्कूल है हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन भिवानी से एफिलेटेड था, लेकिन इस बार CBSE पैटर्न पे ये स्कूल होने जा रहा है। तो CBSE पैटर्न में बच्चे किस प्रकार से अपना दमखम दिखाते हैं, किस प्रकार से यहाँ पे जो टीचर्स हैं वो बच्चों को मेहनत करवाते हैं, किस प्रकार से बच्चे मेहनत करते हैं, वो CBSE पैटर्न का रिजल्ट आने के बाद पता चल पाएगा। लेकिन अगर हरियाणा बोर्ड की बात करूँ तो हरियाणा बोर्ड में स्कूल के बच्चों ने अपनी एक अलग ही पहचान कायम की है। कैमरा सहयोगी मुकेश बेनीवाल के साथ रमेश जाखड़, के हरियाणा।